हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। समवेत भक्त वृंद की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल हरे हरि बोल हरे हरि बोल। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् भूतले स्वयं रूपः कदाति स्वकदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपथकमलम् श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगर ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त
कांचन गौरांगी राधे लतावरेश्वरी वृषभानुसुतेऽङ्गी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्व आदि में श्रीमद् रूप पादाम्बुजानुवर्ती आचार्य वृंदों के अति पुनीत पादारविंदों में लक्ष लक्ष बार आकुतिमयी काकुतिमयी विज्ञप्तियों को संपन्न करते हुए श्रावण कृष्ण त्रयोदशी तिथि की इस सायंकालीन पुण्याहन मेला में हम क्रमशः ग्रंथ पट्ट महर्षि स्वरूपा श्रीमद् भगवद गीता जो कि मोक्ष प्रदायिनी है उस गीता शास्त्र के प्रशिक्षण सत्र के द्वितीय दिवस का द्वितीय सत्र का शुभारंभ करना है। यथा हमने प्रथम सत्र में यह श्रवण किया कि किस प्रकार इस मोक्ष शास्त्र के ऊपर अनेकानेक प्राचीन वैचारिक की धाराओं के मनीषियों के द्वारा प्रणीत देव भाषा संस्कृत में तथा अन्य अन्य प्राकृत भाषाओं में भी व्याख्यान ग्रंथ उपलब्ध हैं, दृष्टिगोचर होते हैं एवं उसी श्रृंखला में हमने यह भी देखा कि किस प्रकार से श्रीमन माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अन्यतम धुरंधर तथा मध्यकालीन संरक्षकाचार्य महामहोपाध्याय श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठक्कुर भाषाए के द्वारा संस्कृत में सारार्थ वर्षिणी नामनी टीका का भी प्रणयन हुआ एवं सारार्थ वर्षिणी टीका के अर्थों का समास्वादन करते हुए हमने यह भी पाया कि किस प्रकार से श्रीमद् भगवद् गीता शास्त्र का जो वास्तविक निष्कर्ष है जो सर्व सर्वाधिक गूढ़तम परम गोपनीयतम जो उसका
निष्कर्ष है, उसका जो सार है, वह किस प्रकार से व्रजीय रागानुगा भक्ति में ही पर्यवसित होता है। और हमने यह भी देखा कि किस प्रकार से गौड़ीय संप्रदाय में गीता शास्त्र के ऊपर एकमात्र जो भाष्य है वह उन्हीं श्री हरि वल्लभ दास गोस्वामी के शिष्य श्री बलदेव विद्याभूषण पाद, अपर नाम जिनका श्री एकांति गोविंद दास गोस्वामी पाद है, उनके द्वारा लिखा गया है। तो श्री एकांति गोस्वामी दास श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु के द्वारा गीता भूषण भाष्य की रचना हुई, जो कि वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का अलंकरण है। यहाँ पर यह कुतर्क किया जा सकता है वादी गणों के द्वारा कि श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान मधुसूदन की सच्चिदानंदमयी गिरा होने के कारण, अप्राकृता चिन्मयी वाणी होने के कारण भला उसका अलंकरण, उसका विभूषण, उसका जो सुशोभन है वो कैसे किसी टीकाकार की वाणी के द्वारा हो सकता है। और यदि हे गौड़ीय विद्वद्गण, आप लोग गीता भूषण भाष्य का इस प्रकार से अर्थ निकालते हैं कि श्रीमद् बलदेव विद्याभूषण का जो व्याख्यान है वह भगवान की वाणी स्वरूपा श्रीमद् भगवद गीता की भी शोभा को और अधिक बढ़ाने वाला होने के कारण उसका आभूषण अलंकरण स्वरूप है, अलंकार स्वरूप है, तो यह तो इस प्रकार से मानना तो विसंगत होगा, क्योंकि भगवान की वाणी तो सौंदर्य सार सर्वस्व है, माधुर्य सार सर्वस्व है, औदार्य सार सर्वस्व है, लावण्य तथा ऐश्वर्य सार सर्वस्व है। तो भगवान की वाणी जब माधुर्य सार सर्वस्व है तो उसका उसके सौंदर्य का, उसके माधुर्य का, उसकी मधुरिमा का और अधिक विस्तार भला कैसे किया जा सकता है किसी भगवत भक्त विद्वान आचार्य की वाणी के द्वारा भी। प्रत्युत इस प्रकार से यदि अर्थघटन किया गया होता गौड़ीय विद्वत गणों के द्वारा कि नहीं, जो श्री भगवान की गीता रूपिणी वाणी ही जिनके व्याख्यान की अलंकार स्वरूपा है, इसीलिए जो गीता भूषण भाष्य के नाम से विख्यात है, विश्रुत है, प्रकीर्तित है, ये नहीं कि जिनके व्याख्यान के द्वारा भगवान की वाणी विभूषित है, ये गलत अर्थघटन है। ऐसा करना चाहिए था कि जी जो भगवान की गीता रूपिणी वाणी ही जिनके व्याख्यान की अलंकार होगा, तब तो जो है सुसंगति बैठ पाती, नहीं तो विषमता विसंगति ही यहाँ पर प्रदर्शित होती है। ऐसा यहाँ पर वादी गणों का, पूर्व पक्षियों का आक्षेप, उस आक्षेप का परिहार कैसे करेंगे, क्योंकि कहा भी गया है ना, और उनका उनका जो पक्ष है बड़ा प्रबल है, बड़ा सशक्त उनका पक्ष है। कहा भी गया है श्रीमद् भागवत के विशेष श्लोक में कि श्री भगवान गोविंद देव के सच्चिदानंद तनु के ऊपर जितने भी आभूषण विद्यमान है, जितने भी पीतांबर आदि जो वसन है, और जितने भी शिखिपिच्छ किरीट केयूर अंगद आदि करधनी आदि जितने भी स्वर्ण निर्मित तथा विभिन्न मणियों के द्वारा निर्मित जितने भी आभूषण श्री भगवान के सच्चिदानंद विग्रह के ऊपर विद्यमान है, वास्तव में भगवान के विग्रह की शोभा उन आभूषणों से नहीं है, परंतु उन आभूषणों की शोभा भगवान के विग्रह से वर्धित होती है, ऐसा श्रीमद् भागवत में स्पष्टतया उल्लेख प्राप्त है। तो जब श्री भगवान के स्वरूप भूत आभूषणों की शोभा, जो आभूषण भगवान के स्वरूप भूत है, जो आभूषण साक्षात भगवान बलदेव के ही प्रागट्य माने गए हैं, संधिनी शक्ति के मूर्त रूप है, शक्तिमान तत्व गोविंद देव की परिचर्या करने के निमित्त, शक्तिमान तत्व जो गोविंद देव है उनकी आराधना उनकी सेवा करने के निमित्त संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री भगवान बलभद्र जो मूर्त रूप धारण करके
शैया आसन वसन, आसन वसन वाहन आदि रूपों में जो प्रकट हो जाते हैं, छत्र आदि रूपों में जो प्रकट हो जाते हैं, और ये सभी स्वरूपभूत माने गए हैं, क्योंकि आखिर में भगवान बलभद्र भी श्री कृष्ण के ही तदेकात्म रूप है, उस रूप से सुसिद्ध है, प्रमाणित है। तो यहां पर जब स्वरूपभूत भगवान के आभूषणों की शोभा भी भगवान के स्वरूप से वर्धित होती है, ना कि भगवान का स्वरूप की जो शोभा है वह उन आभूषणों से वर्धित है। जब इस प्रकार से श्रीमद् भागवत स्पष्टतया उल्लेख करता है, तो फिर इस प्रकार से कहना कि गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की वाणी के द्वारा भगवत गीता और अधिक माधुर्य मंडिता हुए, कितना ही विषमपूर्ण बयान है, वचन है, उसका परिहार कैसे करेंगे, इस आक्षेप का निरसन, इसका खंडन कैसे किया जाए, इसको अपास्त करना पड़ेगा। हाउ शैल वी नेगेट दिस आर्ग्यूइंग कंटेंशन पुट फोर्थ बाय द कंटेंडर्स। इसके आक्षेप की विधा भी प्रदर्शित की जा रही है। यदि भगवत भक्तों की वाणी से और भगवत भक्तों की वाणी जिन भगवत भक्तों के कुल अस्तित्व का एक अंश मानी गई, भगवत भक्तों के कुल अस्तित्व का, कुल व्यक्तित्व का, होल पर्सनैलिटी, टोटल पर्सनैलिटी, एग्रीगेट पर्सनैलिटी, तो जिन भगवत भक्तों के कुल अस्तित्व का, कुल व्यक्तित्व का एक अंश है उन भगवत भक्तों की वाणी, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक अंश ही तो मानी जाएगी ना उसकी वाणी, वाणी समग्र व्यक्तित्व तो नहीं है, समग्र व्यक्तित्व में तो बहुत सारे अन्य पहलू आते हैं। Within the personality of a person, his speech is only considered to be one part, one fragment. So, यदि कुल व्यक्तित्व का एक अंश जो है उनकी वाणी है, और यदि उनका कुल व्यक्तित्व ही ऐसा है उन भगवत भक्तों का, कि श्री माधव भी स्वयं उन भगवत भक्तों की चरण रज को अपना शिरोधार्य करने में अपना सौभाग्य समझते हैं, प्रमाण कहां पर, अनुव्रजाम्यहम नित्यं पूज्ये येत्यघ्रिदेवभिः, श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का श्री भगवान मधुसूदन के द्वारा उद्धव जी के प्रति कथित उक्त कहा गया। इस वचन में क्या कहते हैं श्री भगवान, कहते हैं कि मैं अपने विशुद्ध रसिक भावुक भक्तों के पृष्ठवर्ती प्रदेश में उनके पीछे अनुगमन करने में ही अपने भाग्य को मानता हूं, समझता हूं, और केवल उनका अनुगमन करने में ही, उनके पदांकों का अनुगमन करने में ही मैं अपने भाग्य की शोभा को नहीं मानता हूं, परंतु उन भगवत भक्तों के चरणों के द्वारा अंकित जो मृत्तिका की रज है, उन रजों के जो कण है, उन कणों के द्वारा अपने कपोल प्रदेश को, अपने मस्तक प्रदेश को, अपने मुख मंडल को अलंकृत करने में ही मैं अपने सौभाग्य की पराकाष्ठा मानता हूं, समझता हूं। यदि ऐसा नहीं है तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रस सुधा निधि कार ये नहीं कहते, क्या नहीं कहते, यस्याह कदा विवसना चल खेलनो धन्याति धन्य पवने न कृतार्थमानी योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोऽपि तस्याः नमोस्तु वृषभानुभूवो दिशेति। अंतको गत्वा श्री वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका समस्त श्री कृष्ण चरण चंचरीक स्वरूप समस्त भगवत भक्तों के मंडल में सर्वाग्र गण्य मानी गई, और इस प्रकार का सिद्धांत न केवल बृहद भागवतामृत में ही सिद्ध हुआ प्रत्युत वरन अपितु इस प्रकार का जो सिद्धांत है
लघु भागवतामृत के उत्तरखंड में भी सिद्ध हुआ, भागवतामृत कड़ा में भी सिद्ध हुआ, बृहद भागवतामृत के ऊपर दिग्दर्शनी टीका में भी सिद्ध किया गया, श्रीमद भागवत के अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह इसमें भी सिद्ध किया गया। और गौड़ी वैष्णवाचार्यों के द्वारा लिखित जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी ग्रंथावलियां, चाहे वे राधा रस सुधाने भी हो, चाहे वृंदावन महिमामृतम हो, चाहे विलाप कुसुमांजलि हो, चाहे गोविंद लीलामृतम हो, चाहे कृष्ण भावनामृत महाकाव्यम हो, चाहे संकल्प कल्प द्रुम हो, जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे कृष्ण संदर्भ आदि ग्रंथ हो, या श्रीमद् भागवत के ऊपर की गई अस्मत् संप्रदाय के आचार्यों के जितने भी व्याख्यान हो, उन समस्त ग्रंथों में विशेषतया उपदेशामृत के अंतिम श्लोक त्रयी में, उपदेशामृत की जो अंतिम श्लोक त्रयी है उसमें कर्मेभ्यः परितो हरिः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः और वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् और कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रियसिभ्योऽपि राधा, उसमें तथा आदि पुराण के उस श्लोक में जहां पर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि न तथा मे प्रियतमः, कि हे अर्जुन मुझे संकर्षण श्री लक्ष्मी यहां तक मेरा आत्मा ये सभी भी मुझे इतने प्रिय नहीं है, आत्मीय प्रतीत नहीं होते कि जितनी मुझे व्रजांगनाएं यथा गोपी जनो मम, और उसमें भी जैसे पद्म पुराण कहता है विशेष रूप से श्रीमती राधा मेरी प्रीति की पात्रा है, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सैवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा, विष्णु की अत्यंत वल्लभा है, वल्लभा का तात्पर्य है प्रेम पात्री, भगवान विष्णु का जो प्रेम है, श्री कृष्ण का जो प्रेम है, श्री कृष्ण ही मूल विष्णु माने गए, तो श्री कृष्ण का जो प्रेम है उस प्रेम की जो आत्यंतिकी पराकाष्ठा है, जिस पराकाष्ठा के पश्चात और आगे वह प्रेम बढ़ ही नहीं सकता, तो भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर की प्रीति की जो आत्यंतिकी पराकाष्ठा है, उस आत्यंतिकी पराकाष्ठा को जो प्राप्त है, जो उसकी भाजन बनी हुई है, फलतः जो अत्यंत वल्लभा नाम से सार्थक है, फलतः जिनकी संज्ञा अत्यंत वल्लभा नाम से सार्थक है, पद्म पुराण विष्णु हो अत्यंत वल्लभा, अत्यंतिक पुरुषार्थ क्यों पंचम पुरुषार्थ प्रेम को माना, क्योंकि उसके पश्चात आगे दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं, उसी प्रकार से अत्यंत वल्लभा किसे मानेंगे कि जिसके पश्चात श्री भगवान का प्रिय और कोई व्यक्ति ना हो। इसीलिए तो बृहद भागवतामृत के मंगलाचरण में भी श्री सनातन गोस्वामी पाद गोपी जनों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नितराम जयंती, नितराम सर्वाधिक प्रियता को प्राप्त है ब्रज की गोपियां भगवान की, और उसमें भी श्री राधा पराकाष्ठा को प्राप्त है, तो इन कारणों से श्रीमती राधा के प्रति श्री कृष्ण का जो व्यवहार है उसके द्वारा भी हम यह पता लगा सकते हैं कि यदि श्रीमती राधा सर्व भक्ताग्र गण्य होने के कारण, समस्त भक्त मंडली में शिरोमणि स्वरूपा होने के कारण यदि भगवत प्रीति भाजन है अत्यंतिक रूप से, तो फिर अन्यान्य भी जो भक्त हैं, विशेषतया उन्हीं श्रीमती राधिका की प्राण सखी तथा नित्य सखी की टोली में सम्मिलित होने वाली जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है और जो बलदेव विद्याभूषण है, दोनों ही मंजरी रूप से सेवा करती हैं, तो ये भी श्री कृष्ण की कितनी प्रीति की भाजन होंगी। और यदि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा प्रदर्शित आदि लीला के चतुर्थ परिच्छेद में प्रदर्शित युक्ति को यदि यहां पर स्वीकारा जाए, माना जाए, तब तो और अधिक रहस्य में हम प्रवेश कर जाएं। और वो रहस्य क्या है कि रागमयी जो भक्ति है वह पुनः दो प्रकार से विभक्त की गई, रागात्मिका और रागानुगा। विराजंतीम अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादेशु रागात्मिकाम अनुसृता यासा रागानुगोच्यते इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत्। ये प्रथम दिवस के सत्र में इस श्लोक का उदाहरण दिया, इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत्
तन्मयी या भवेद भक्ति सात्र रागात्मिकोदिता। ये तो रागात्मिका भक्ति का लक्षण है, लेकिन अब जो है रागानुगा भक्ति के लक्षण को कहेंगे कि विराजंतिम अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिशु। श्री ललिता, विशाखा, राधा, चंद्रावली, रूपरति, मंजरी आदि जो नित्य सिद्ध ब्रजांगनाएं, उसी प्रकार से वात्सल्य रस में नंद, यशोदा, वृषभानु, कीर्तिदा, पौर्णमासी आदि जो नित्य सिद्ध वात्सल्य भाव के परिकर है, भगवान के गुरुजन है। और उसी प्रकार से सख्य भाव में, सख्य रति में श्रीराम, सुबल, मधुमंगल, अर्जुन, स्तोक, कृष्ण, वरुथप आदि जितने भी सखा है, और उसमें भी सुबल मधुमंगल तो प्रिय नर्म सखा माने गए, प्रिय नर्म सखा। कई बार लोग जो है सख्य भाव को बड़ा निकृष्ट, बड़ा गठिया मानते हैं। तथा कथित जो गौड़ीय रसिका भास है, रसिक आभास है, वास्तव में रसिक अवस्था को प्राप्त नहीं है, केवल रसिक होने का कृत्रिम रूप से स्वांग रच रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। तो कृत्रिम रूप से जो रसिकाभास है, उन लोगों के द्वारा जिनको हम सहजिया आदि भी नामों से भी पुकारते हैं, तो उन लोगों के द्वारा ऐसा मान लिया जाता है कि मंजरी भाव से तो श्रेष्ठ दूसरा कोई भाव ही नहीं है। इसीलिए अन्य जितने भी ब्रज में सख्य, वात्सल्य, दास्य आदि जो भाव देखे जाते हैं, उनकी ओर तो देखना भी उचित नहीं। इस प्रकार का भी एक वर्ग है हमारे संप्रदाय में, इनकी एक बहुत बड़ी लॉबी है, इनका एक बहुत बड़ा संगठन बना हुआ, व्यवस्थित संगठन है, पूरा सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड लॉबी दिस इज। एंड दे क्लेम दैट सिंस मंजरी भाव इज द टॉप मोस्ट भाव, ऑल द अदर भावस इंक्लूडिंग द सख्य, वात्सल्य एंड इवन दास्य विच इज फाउंड इन ब्रज पास्ट टाइम्स इज नॉट इवन